नमस्ते दोस्तों, टेकमेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बनाया गया है मिलिंग मशीन। ये मिलिंग मशीन आता है मशीनरी ट्रेड में आता है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल डिप्लोमा इन स्टूडेंट के लिए काम में आने वाला वीडियो है। मैकेनिकल मेंटेनेंस जो 11वीं 12वीं करते हैं मैकेनिकल, इन बच्चों को भी काम में आने वाला है। स्टार्ट करते हैं, एंड तक आप वीडियो देखो, आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा मिलिंग मशीन के ऊपर किस टाइप के ऑपरेशन किए जाते हैं। कम से कम 15 टाइप के ऑपरेशन आपको फिगर के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं, कैसे मिलिंग मशीन के ऊपर अलग अलग कटर लगा के ऑपरेशन किए जाते हैं। और वर्टिकल मिलिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, इन सभी मशीन के ऊपर किस टाइप के ऑपरेशन किए जाते हैं, ये सब नॉलेज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं अपन मिलिंग मशीन ऑपरेशन। द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्स यूजिंग सुटेबल मिलिंग कटर। अलग अलग टाइप के कटर यूज करके मिलिंग ऑपरेशन किया जाता है। सबसे पहले प्लेन मिलिंग, फ्लैट सरफेस के ऊपर प्लेन मिलिंग करने का रहेगा तो इसके लिए प्लेन मिलिंग ऑपरेशन किया जाता है। ये सभी ऑपरेशन के डायग्राम मैं लास्ट में आपको एंड में दिखा रहा हूं। फेस मिलिंग, फेस मिलिंग यानी कोई जो जॉब का फेस मिलिंग करने का रहेगा तो किस टाइप का इसका माउंटिंग किया जाता है, वो सब डायग्राम आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद साइड मिलिंग, साइड से मिलिंग करने का है, ये ऑपरेशन है। सैडल मिलिंग, स्ट्रेडल मिलिंग रहता है वो आपको ऑपरेशन दिखा रहा हूं। एंगुलर मिलिंग, इसके एंगुलर कटर यूज करके एंगुलर मिलिंग किया जाता है। गैंग मिलिंग, एक साथ में चार पांच कटर लगा के जिस टाइप से ऑपरेशन आपको करने का है उस टाइप से कटर लगा के आप गैंग मिलिंग कर सकते हैं। फॉर्म मिलिंग, अलग अलग शेप के मिलिंग कटर रहते हैं वो यूज करके आप जॉब के ऊपर अलग अलग शेप बना सकते हैं। इसके बाद एंड मिलिंग रहता है, एंड मिलिंग ऑपरेशन किया जाता है। इसके बाद नाइन्थ फ्लूट मिलिंग, अलग अलग टाइप के फ्लूट बनाए जाते हैं, जैसा रिमर बनाए जाते हैं, ड्रिल मशीन बनाए जाते हैं, ड्रिल बिट भी मिलिंग मशीन के ऊपर बनाए जाते हैं, तो ये फ्लूट मिलिंग ऑपरेशन हो जाता है। इसके बाद कीवे मिलिंग, अलग अलग पुलिस के कीवे रहते हैं वो कीवे किस टाइप से बनाए जाते हैं ये भी ऑपरेशन मिलिंग मशीन के ऊपर किया जाता है। 11 ड्रिलिंग एंड रिमिंग, मिलिंग मशीन के ऊपर ड्रिलिंग एंड रिमिंग भी ऑपरेशन किया जाता है, उसका भी डायग्राम आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद बोरिंग, होल बड़ा करने के लिए बोरिंग ऑपरेशन किया जाता है, तो ये वर्टिकल मिलिंग मशीन के ऊपर सिंगल पॉइंट टूल लगाया जाता है, उसके बोरिंग किया जाता है होल बड़ा करने के लिए, तो बोरिंग ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद गियर कटिंग, मिलिंग मशीन में इंपॉर्टेंट गियर कटिंग रहता है, अलग अलग टाइप के गियर, फॉर एग्जांपल स्पर गियर, हेलिकल गियर, ब्यूवेल गियर, रैक एंड पिनियन, इस टाइप के गियर जो रहते हैं तो ये मिलिंग मशीन के ऊपर अलग अलग कटर लगा के, मॉड्यूल कटर लगा के अलग अलग इंडेक्सिंग करके गियर कटिंग बनाया जाता है। इसके बाद मिलिंग मशीन के ऊपर थ्रेड मिलिंग बनाए जाते हैं, तो थ्रेड मिलिंग का ऑपरेशन भी आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद कैम मिलिंग, अलग अलग कैम बनाए जाते हैं मिलिंग मशीन के ऊपर, तो अलग अलग मशीन में कैम लगता है वो पार्ट भी मिलिंग मशीन के ऊपर बनाए जाते हैं। ये सभी मशीन 15 ऑपरेशन के डायग्राम अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप एंड तक वीडियो देखो तो आपको पूरा ऑपरेशन का नॉलेज मिल जाएगा इस चैप्टर में। ये सभी ऑपरेशन आपको एक एक डायग्राम अभी क्लियर आपको मालूम पड़ जाएगा। प्लेन मिलिंग का डायग्राम किस टाइप का रहता है, ये प्लेन मिलिंग है, ये कटर है, देखो प्लेन मिलिंग स्लेबल मिलिंग कटर लगा है, उसके ऊपर ये जो जॉब है ये प्लेन जॉब करने के लिए ये कटर यूज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसे ये ऑपरेशन को कहते हैं प्लेन मिलिंग ऑपरेशन।
ये दूसरा ऑपरेशन है फेस मिलिंग, ये जॉब है, देखो जॉब के फेस को मिलिंग किया जा रहा है। देखो ये कटर है, फेस मिलिंग कटर लगाया, ये अलग अलग टीथ कार्बाइड टिप है, उससे मशीन रन करने के बाद ये फेसिंग किया जाता है। ये मिलिंग मशीन का ऑपरेशन है, ये फेसिंग मिलिंग ऑपरेशन। इसके बाद साइड मिलिंग ऑपरेशन दिखा रहा हूँ, ये साइड मिलिंग ऑपरेशन है। देखो ये अंदर जॉब है, जॉब फिक्स किया है, दोनों साइड में कटर लगे ले, देखो ये आर्बर के अंदर दोनों कटर लगाए और जॉब का साइड मिलिंग कर रहे, तो इसे साइड मिलिंग ऑपरेशन कहा जाता है। इसके बाद स्ट्रैडल मिलिंग, देखो ये अर्बर के अंदर दो कटर लगे ले, एक ही टाइम में दो ऑपरेशन किए जाते हैं, और ये वर्क पीस है और ये टेबल है, टेबल के ऊपर जॉब फिक्स किया है, इसे स्ट्रैडल मिलिंग ऑपरेशन कहते हैं। एक ही साथ में दो दो ऑपरेशन बनाए जाते हैं। इसके बाद एंगुलर मिलिंग कटर, ये एंगुलर मिलिंग कटर है, आर्बर के अंदर एंगुलर मिलिंग कटर फिक्स किया है और ये जॉब है, जॉब के अंदर देखो ये एंगुलर शेप बनाया और बीस स्लॉट भी बनाए, इस टाइप के ऑपरेशन मिलिंग मशीन के ऊपर बनाए जाते हैं, इसे एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन कहते हैं। इसके बाद गैंग मिलिंग ऑपरेशन है, ये जॉब है, जॉब टेबल के ऊपर जॉब फिक्स किया है और एट ए टाइम तीन कटर फिक्स किया है, आर्बर के अंदर पांच कटर है, देखो एक दो तीन चार पांच, पांच कटर अंदर फिक्स किया है, तो एक ही साथ में पांच कटर, पांच ही कटर घूमते हैं और जॉब में अब देखो एक ही साथ में इस तरह से ऑपरेशन किया जाता है, तो इसलिए इसे गैंग मिलिंग कहते हैं। एक साथ में तीन कटर, चार कटर, पांच कटर, छः कटर यूज़ किया जाता है आर्बर के अंदर, जिस टाइप का जॉब रहता है उस टाइप से कटर सेट करके एक ही साथ में जॉब फिनिश किया जाता है, इसे गैंग मिलिंग ऑपरेशन कहते हैं। इसके बाद फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन, ये कटर है, फॉर्म मिलिंग कटर है, ये देखो यहाँ पे फॉर्म दिया जा रहा है, कर्व कटर लगाया, देखो कर्व बनाया जा रहा है, ये जॉब है, तो इसे आर्बर के अंदर फॉर्म मिलिंग कटर अगर फिक्स करेंगे तो आपको फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन किया जाता है। इसके बाद एंड मिलिंग कटर, देखो ये एंड मिल कटर है, ये कटर लगाया है और इसके अंदर जॉब, ये जॉब में देखो इस तरह से स्लॉट बनाए जा रहे हैं, ये वर्क पीस है, इसे एंड मिल कटर बोलते हैं, तो ये एंड मिल ऑपरेशन हो जाता है। इसके बाद फ्लूट ऑपरेशन किया जाता है, देखो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये फ्लूट्स है, ड्रिलिंग में ड्रिल के ऊपर जो फ्लूट्स रहता है वो फ्लूट ऑपरेशन भी ले मिलिंग मशीन के ऊपर किया जाता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं फ्लूट ऑपरेशन। ये देखो ये यहाँ पे अलग अलग फ्लूट्स है, तो ये फ्लूट्स ऑपरेशन हो जाता है। इसके बाद कीवे मिलिंग ऑपरेशन, ये कटर आर्बर में, एक अर्बर में एक कटर लगेला है देखो, और एक यहाँ पे कीवे बना रहे, जॉब है, ये वर्क पीस है और ये कीवे मिलिंग ऑपरेशन, इसे कीवे मिलिंग ऑपरेशन कहते हैं। इसके बाद टी स्लॉट मिलिंग कट ऑपरेशन है, ये देखो ये यहाँ पे टी स्लॉट कटर लगेला है और डायरेक्ट जॉब के ऊपर टी स्लॉट बनाए जा रहे हैं, देखो ये टी स्लॉट मिलिंग है। इसी टाइप में ड्रिल ऑपरेशन रहता है, ड्रिलिंग ऑपरेशन एंड रिमिंग ऑपरेशन एंड बोरिंग ऑपरेशन। अभी आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन, सेम ड्रिल लगाया जाता है जिसके ऊपर जॉब के ऊपर ड्रिल किया जाता है, रिमर लगाया जाता है, रिमर रिमिंग किया जाता है। बोरिंग ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट टूल कटर लगाया जाता है और माउंटेड ऑन आर्बर, द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल घूमता है और होल को बड़ा करते हैं। इसके बाद
गियर कटिंग ऑपरेशन होता है, देखो अलग अलग कटर के मॉड्यूल कटर लगे ले और गियर बना रह जाओ। देखो ये स्पर गियर है, ये कटर है, स्पर गियर का ऑपरेशन किया जाता है, गियर कटिंग ऑपरेशन बोलते हैं इसको। ऐसे अलग अलग इंडेक्सिंग हेड लगा के स्पर गियर, हेलिकल गियर, ब्यूएल गियर, इस टाइप के मिलिंग मशीन के ऊपर गियर कटिंग किए जाते हैं, तो इसीलिए इसे गियर कटिंग ऑपरेशन कहते हैं। इसके बाद थ्रेड मिलिंग ऑपरेशन दिखा रहा है, देखो ये जॉब के ऊपर थ्रेड बन रहे है, देखो ये इसे एक्सटर्नल थ्रेड है, ये इंटरनल थ्रेड है। जॉब के अंदर अगर इंटरनल थ्रेड गिराने का है तो ये इस टाइप का है, एक्सटर्नल है तो यहाँ पे दो ये जॉब है, एक्सटर्नल थ्रेड गिरा रहे, देखो जॉब के ऊपर एक्सटर्नल और इंटरनल जॉब के, ये जॉब है और ये कटर है इंटरनल थ्रेड के लिए। ऐसे अलग अलग मिलिंग मशीन के ऊपर थ्रेड मिलिंग किया जाता है। इसके बाद लास्ट है कैम मिलिंग, ये कैम मिलिंग ऑपरेशन है। देखो ये परपेंडिकुलर और पैरेलल यहाँ पे जॉब लगाए जाते हैं इस टाइप से, ये जॉब है और ये कटर है, ये कैम मिलिंग ऑपरेशन है, ये परपेंडिकुलर और पैरेलल ये दोनों ऑपरेशन किए जाते हैं मिलिंग मशीन के ऊपर। इस टाइप के अलग अलग ऑपरेशन लेथ मशीन के ऊपर कटर यूज़ करके बनाए जाते हैं। अगर आपने ये आपको पूरा नॉलेज मिला होगा मिलिंग मशीन के ऊपर अलग अलग कटर लगा के ऑपरेशन किस टाइप के रहते हैं। आपने यह वीडियो पूरा देखा इसलिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।